आज हम लोग सेट लाइफ को समझेंगे कि सेट लाइफ क्या है। देखिए सेट लाइफ को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सेट लाइफ शब्द आया कहाँ से, आखिर में सेट लाइफ क्या है। तो आप जानते हैं कि जो ये हमारा सूर्य है, सूर्य क्या है भाई, ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो इसमें यहाँ पे उपस्थित हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलते हैं। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया कि इस सूर्य से कोई एक एस्ट्रॉयड आके टकराया, सूर्य का एक भाग टूट के सूर्य से अलग हो गया, सूर्य का एक भाग टूट के सूर्य से अलग हो गया। और ये टक्कर चूंकि इतनी तेज थी कि एक जो टूटा हुआ टुकड़ा था छोटे छोटे कई टुकड़ों में बदल गया, जिसे हम ये सबसे पास वाले बुध कहते हैं, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, इस तरीके से तमाम तरह के ग्रह हैं। ठीक है, जो ये पिंड सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, जिसे ऊपर बैठ जिसे कहा जाता है, इसमें गति करते हैं। तो जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करता है उसे हम ग्रह कहते हैं, जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करता है उसे हम ग्रह कहते हैं। अच्छा, जैसे हमारी पृथ्वी है, मान लेते पृथ्वी की बात करते हैं, ये हमारा अर्थ है। और पृथ्वी का आकार कैसा है मेरे दोस्तों, ये है जियोइड से, लद्वच्छ शेप है, मतलब ये ऊपर थोड़ी सी चपटी है पृथ्वी हमारी, जियोइड शेप है, ये GEOID जियोइड शेप है धरती का हमारे। और तो जो सूर्य की परिक्रमा जो पिंड करते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं पिंड उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट कहा जाता है। ये जो उपग्रह है जैसे मून है, चंद्रमा क्या करता है, 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, 27 डेज में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये क्या है, चंद्रमा सैटेलाइट है पृथ्वी का। हालांकि सबसे अधिक सैटेलाइट की बात की जाए तो शनि के पास, जिसे आप टाइटन कहते हैं, उसके पास सबसे अधिक जो सैटेलाइट है वर्तमान में। तो 27 डेज में ये जो मून है ये अर्थ की परिक्रमा करता है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक सैटेलाइट हुआ, ये पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट हुआ। आइए थोड़ा सा समझते हैं हम चीजों को। ये मान लेते हैं हम लोग अर्थ है, और ये इसका जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा है जिसमें हम ये जो है सैटेलाइट अपना जो है स्थापित कर दिए हैं। तो ये सैटेलाइट क्या करता है, एक निश्चित समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, सैटेलाइट भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट की बेसिक हम और समझेंगे, सैटेलाइट कार्य क्या है, क्यों हमें सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ी। सर्वप्रथम हम देखेंगे जो सेटेलाइट है, जैसे बेसिकली यदि हम बात करें कम्युनिकेशन के फील्ड में, तो हमारे पास जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या करता है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट हमारे सिग्नल धर अर्थ से सिग्नल को रिसीव करता है, उसे मॉडिफाई करके फिर उसे अर्थ स्टेशन भेज देता है, रिसीव कर जो है रिसीवर में भेज देता है। ठीक है, तो फिलहाल में यदि हम एक शब्द में कहना चाहें सेटेलाइट को, सेटेलाइट मतलब एक कैमरा। जैसे मान लो पृथ्वी को एक गेंद मान लो, और ये एक कैमरा, और इस कैमरे का जो कोणीय वेग है और पृथ्वी का जो कोणीय वेग यदि एक बराबर हम रखें तो क्या होगा कि एक निश्चित भूभाग का ये फोटो खींचेगा एक बराबर, बाद में इसको कैमरे से देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट यहीं से पैदा हुआ। जैसे सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक एक्टिव सैटेलाइट एक पैसिव सैटेलाइट। पैसिव सैटेलाइट क्या करता है कि सिग्नल अर्थ स्टेशन से सिग्नल को रिसीव करेगा और उसे एम्पलीफाई करके एज इट इज अर्थ स्टेशन में भेज देगा, मतलब उसमें बहुत सारा जो है आपको मतलब परिवर्तन नहीं करता है सिग्नल में, तो जैसा लिया वैसा एम्पलीफाई करके भेज दिया धरती पे। ये हो गया जो है आपका पैसिव सेटेलाइट। और एक्टिव सेटेलाइट क्या करता है, सिग्नल को पहले रिसीव करता है, फिर उस सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, सॉरी उसका डिमॉड्यूलेशन करता है, उस मॉड्यूलेटेड वेव का डिमॉड्यूलेशन करने के बाद फिर उसे अर्थ स्टेशन भेजता है। जैसा कि हम लोग समझते हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा सैटेलाइट है,
ये सेटेलाइट है, ये हमारे धरती पे ये अर्थ स्टेशन है, ये ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन, ये रिसीविंग अर्थ स्टेशन। यहां से क्या करते हैं हम, एक हाई अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं इसके मॉड्यूलेशन के लिए। अच्छा, ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का प्रयोग क्यों करते हैं, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, भाई अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है, उसकी भी रेंज काफी हाई होती है, मेगाहर्ट्ज़ में होती है, तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो होता क्या है कि धरती हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ का क्रस्ट है, ऊपरी भाग, इसके ऊपर कई परतें हैं हमारी, जैसे हमारे वायुमंडल में कई सतहों में बांटा गया है, जैसे ऊपर ट्रोपोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, और आपका जो है उसके बाद ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एक और है, उसके बाद आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर के ऊपर एक्सोस्फीयर है। जो ये आयनोस्फीयर है, ये लगभग मान लीजिए ये इसकी जो हाइट होती है 80 किलोमीटर टू 6 से 40 किलोमीटर, इतने हाइट पे जो है, मतलब इतने ऊंचाई पे जो 80 से अधिक और 640 से जो मतलब कम है जो पृथ्वी की परत, उसे हम कहते हैं आयनोस्फीयर। इसमें आयनिक गुण होता है, होता है क्या, यदि हम आरएफ का प्रयोग करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी का, जिसकी रेंज मेगाहर्ट्ज़ में होती है, यदि इसका प्रयोग करेंगे तो होगा क्या कि इस आयनिक गुण के कारण ये जो है सिग्नल इससे टकरा के पुनः अर्थ पे वापस आ जाएगा, यहां जाएगा जरूर लेकिन अर्थ टकरा के वापस आ जाएगा, ये सेटेलाइट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो हम लोग आरएफ के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, मॉड्यूलेट करके वेव भेजते हैं, तो वो बेसिकली जो एंटीना मतलब भेजते हैं, तो वो इस आयनोस्फीयर आरएफ का प्रयोग करते हैं मॉड्यूलेशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का, और ये क्या करता है, इस आयनोस्फीयर से टकरा के जो है ये वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन यदि सेटेलाइट कम्युनिकेशन की बात की जाए, तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी क्या करता है, इस आयनोस्फीयर को भेद के सेटेलाइट तक पहुंचाता है। यहां से ये देखिए, मान लेते हैं ये अर्थ स्टेशन है और ये ट्रांसमीटर है अर्थ का, और ये यहां से ये रिसीवर है, ठीक है। जब यहां से अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सेटेलाइट तक पहुंचता जाता है, इसे हम कहते हैं अपलिंक, और जब यहां से नीचे आता है, इसे हम कहते हैं डाउनलिंक, इसे हम कहते हैं डाउनलिंक, ठीक है। तो अच्छा, मैं ये एक चीज समझने की आवश्यकता है यहां पे कि आखिर में सेटेलाइट कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए होता क्या है कि नॉर्मल हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें क्या होता है कि हमें जैसे कहीं कम्युनिकेशन दूर क्षेत्रों में करना है, पहाड़ी क्षेत्रों में करना है, वहां पे एंटीना लगा के वहां पे सिग्नल भेज पाना कठिन हो जाता है। तो अच्छा, इसके हम यदि सिग्नल वहां भेज भी लेते हैं तो वहां पे खर्च बहुत ज्यादा गिरता है, खर्च ज्यादा आता है। इस खर्च ज्यादा आने के कारण हम वहां पे सेटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग अपने मैसेज सिग्नल को भेजते हैं। एक चीज आपको पता होगा कि जो हम लोगों का कम्युनिकेशन है, जो खर्च है, वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। भाई दूरी पर क्यों नहीं निर्भर करेगा कि मान लीजिए आपको कोई सिग्नल भेजना है दूर तक, तो वहां क्या है कि एक बार ही आपको सेटअप बैठाना है, बाकी तो उससे कोई मतलब है नहीं, कितना दूर भी आप भेजें कोई समस्या नहीं। तो हमारा जो दूरी पर निर्भर नहीं करता खर्च, ठीक है। तो इसलिए हम इजिली ये जो है, अच्छा एक फायदा और सेटेलाइट कम्युनिकेशन का कि हम बहुत बड़े क्षेत्र को एक साथ जो है हम ऐसे सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, विद इन टाइम। तो सेटेलाइट को सकता इसलिए पड़ी, और सेटेलाइट में कुछ दोष भी है। दोष इसका ये है सेटेलाइट का कि एक बार सेटेलाइट यदि बिगड़ जाए तो उसका रिपेयरिंग संभव नहीं है। अभी तक जो है हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्निक हम लोगों ने डेवलप नहीं किया है जिससे हम लोग सेटेलाइट की रिपेयरिंग कर सके, ठीक है। इसलिए थोड़ा यही इसका नुकसान है, बाकी और सारे फायदे जो कम्युनिकेशन के लिए, बेसिकली मान लीजिए कोई मौसम खराब या बादल का समय है, तूफान आ रहा है, उस समय हो सकता है थोड़ा सा सिग्नल डिस्टर्ब हो सेटेलाइट कम्युनिकेशन में, लेकिन वैसे सबसे सस्ता कम्युनिकेशन सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, ठीक है। और ये आप सेटेलाइट सबसे परिचित ही हैं, अभी हाल ही में जो है चंद्रयान 2 का जो है मतलब चंद्रयान 2 भेजा गया था, वहां की स्थितियों का पता लगाने के लिए,
अच्छा एक प्रश्न है आप लोगों से कि सेटेलाइट को हम लॉन्च कैसे करते हैं। भाई सेटेलाइट तो हमने बना लिया, मतलब हमारा इसरो है, इसरो ने सेटेलाइट को बनाया, और वो प्रक्षेप कैसे करता है, पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाता कैसे है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। आइए और चीजों के बारे की समझते हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था सेटेलाइट का। आइए अब यहां प्रश्न ये उठता है कि देखिए कुछ कंडीशन होती है, हर चीज का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि कैसे हम सिग्नल को भेजेंगे, तो कितने दूरी पर हम उसे रखेंगे। यदि हाइट हम जो है मान लेते 500 किलोमीटर ऊपर हम सेटेलाइट को रखते हैं तो किस स्पीड से घूमेगा, तो कई कैलकुलेशन होते हैं। तो कुछ कैलकुलेशन को हम यहाँ जो है कुछ कैलकुलेशन का डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, सेटेलाइट किस वेलोसिटी से जो है धरती के ऑर्बिट में मूव करती है, तो वेलोसिटी तो उसका हम डेरिवेशन थोड़ा देखेंगे कैसे हम वो जो मूव कर रही है सेटेलाइट धरती के ऑर्बिट में, तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले मान लेते हैं ये अर्थ है, धरती है, छोटा बना लीजिए, ये हमारा अर्थ है और ये मान लेता हूं ये धरती के बाहर का वृत्ताकार कक्षा है जिसमें हमें सेटेलाइट को स्थापित करना करवाना है। मान लेता हूं धरती का रेडियस कैपिटल आर है और धरती का जो मास है वो कैपिटल एम है, और यहाँ जो सेटेलाइट है हमारा, जो हमारा सेटेलाइट है, सेटेलाइट की वेलोसिटी क्या है, मान लेते स्मॉल बी है, इसका मास स्मॉल एम है और इसका रेडियस स्मॉल आर है, ये सेटेलाइट का है, और पृथ्वी का मास कैपिटल एम, इसका रेडियस कैपिटल है, और इस मतलब इसके यदि हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें इसी कैपिटल छोड़िए इसी मतलब नहीं है आगे डिस्कस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि भाई ये सेटेलाइट है कहीं ना कहीं धरती के बाहर एक जो है वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, यदि गति कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स है जो इसे एक कांस्टेंट पथ पे बनाए रखा है, ठीक है। इस बल को आप लोग पढ़े होंगे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, ठीक है। कोई भी जो है गाड़ी है मोटरसाइकिल सवार है कोई भी गाड़ी जो यू टर्न लेता है घूमता है तो वहां पे हल्का झुक जाता है अभिकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे दुनिया कक्षाओं में, तो यहाँ पे कहीं कहीं यहाँ भी अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, उस अपकेंद्रीय बल को हम कहते हैं स्मॉल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, मतलब ये इस बल की आवश्यकता पड़ती है इस सेटेलाइट को इस ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए। और ये बल आता कहां से है, यह बल इस सेटेलाइट और इस धरती के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वह इसे ही अपकेंद्रीय बल देता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भाई, वो है जी एम एम अपॉन कैप, ये आपका यहाँ कैपिटल जी है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है अर्थ का धरती का, ये कैपिटल एम है ये अर्थ का मास है, स्मॉल एम है ये सेटेलाइट का मास है, दो विंडो के मध्य लगने वाला जो बल आप लोग पढ़े होंगे जी एम एन एम टू होगा आर स्क्वायर, ठीक है, तो वही है फॉर्मूला, तो इस बल से प्राप्त होता है। यहाँ देखिए ये आपका हो गया अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल मतलब ये किससे प्राप्त हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो विंडो के मध्य लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसे इतना अपकेंद्रीय बल देता है कि यह एक द्रव्यवृत्ताकार कक्षा में मतलब स्थापित हो जाए, एक प्रॉपर वेलोसिटी से गति करे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखते हैं कि जो पृथ्वी का कोणीय वेग, अभी मैं आप लोगों को वेलोसिटी बता रहा हूँ, फिर और भी जो है टाइप के तमाम तरह की चीज भी बताऊंगा इसके बारे में, एक एक चीज बताऊंगा, काफी लंबा चलने वाला है सेशन ये सेटेलाइट का, तो अभी धीरे धीरे चीजों को समझते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। अच्छा एक चीज और समझिए कि जो ये सेटेलाइट का रेडियस है, सेटेलाइट का रेडियस ये कितना होता है, इस सेटेलाइट का रेडियस जो होता है वो अर्थ का रेडियस और प्लस कितनी हाइट आप रख रहे हैं, जैसे 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर कितना ऊंचाई सेटेलाइट आप स्थापित करना चाहते हैं, मैं मान लेता हूं ये जो है h किलोमीटर है, तो ये जो सेटेलाइट का रेडियस है पृथ्वी का रेडियस प्लस उसकी हाइट, सेटेलाइट की हाइट पर निर्भर करता है, ठीक है, कितना है उतना ही रेडियस हम रखते हैं, ठीक है। तो आइए फिलहाल इसे कैलकुलेशन करते हैं, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट ऑफ
आर से ये आर एक आर कटा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इस बार दिख रहा है कि नहीं, जी एम अपॉन आर, ठीक है। तो वी इक्वल टू हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर है आर। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, चूंकि ये रेडियस जो है ये आपके सेटेलाइट जो है जिस दीर्घवृत्ताकार का कक्षा में गति कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर, जो जिस वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है उसका ये रेडियस है। उसका रेडियस किसके बराबर है, धरती का रेडियस प्लस उसकी हाइट, कितनी ऊंचाई को स्थापित किया गया है, ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यू जी एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है, इतना हो गया। आइए, अच्छा ये तो बात हो गई, इसकी वेलोसिटी की बात हो गई यहाँ पे, मतलब इस इतने वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, लेकिन नहीं, जो सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है अर्थ का, उसका भी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वो क्या है, स्मॉल जी बराबर क्या होता है बताइए आप लोग, जी एम अपॉन सठी चाहिए, देखिए सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण क्या है, कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। चूंकि भाई अर्थ की बात कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने कैपिटल अर्थ के लिए सारा सब कुछ मैंने कैपिटल लिया है, और सैटेलाइट के लिए सब कुछ मैंने स्मॉल लिया है। यहां से क्या आ गया भाई, जी एम इक्वल टू जी कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आप ऐसा करिए, इसे इक्वेशन वन मान लीजिए और इसे इक्वेशन टू मान लीजिए, आइए इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ऊपर का बेटा रखते हैं। ये क्या हो गया, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो v इक्वल टू इक्वेशन टू का मान इक्वेशन वन में पुट मैं कर रहा हूं, ये हो जाएगा रूट इसमें g कैपिटल r का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ये आ गया। यदि मैं हाइट में मान लेता हूं कि कुछ सौ किलोमीटर ऊपर जो है पृथ्वी के कुछ सौ किलोमीटर ऊपर इसे स्थापित किया गया है, मान लेता हूं 100 किलोमीटर, ये अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत कम है, इस हाइट यदि मैं निग्लेजिबल मान लेता हूं, तो यहां पे देखिए v इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, इस आर से आर कट जाएगा, तो ये v बराबर स्मॉल जी आर, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई किसकी, सेटेलाइट की। यदि हाइट को मैं निग्लिजिबल मान लेता हूं तो इस वेलोसिटी से जो है मूव करेगा, मतलब हमारी सेटेलाइट मूव करेगी। आइए थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं इसका, इसे मिटा देता हूं, ठीक है, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि जी की वैल्यू कितनी होती है भाई बताइए, ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, मतलब इस स्पीड से धरती किसी वस्तु को अपने तक खींचती है, मतलब यदि कोई वस्तु ऊपर से किसी छत से गिराया जाता है तो किस स्पीड से नीचे आएगा, इसी स्पीड से नीचे आएगा, ठीक है। और कई बार मैं मास मास की बात कर रहा हूँ, मास क्या है, मास क्या है, तो यदि कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा मैं बता देता हूँ, मास और भार में क्या अंतर है। जैसे आप 1 किलो आलू अपने घर लेकर जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं, मास लेकर जाते हैं कि भार लेकर जाते हैं। तो देखो क्या होता है कि मास होता है किसी वस्तु पे उपस्थित पदार्थ की मात्रा, जैसे ये मार्कर है मान लीजिए मेरे हाथ में, तो ये क्या है, छोटे छोटे प्लास्टिक कणों से मिलकर बना है, इसमें उपस्थित जो छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कण है वो इसका मास है, ठीक है। और द्रव्यमान क्या होता है, ये तो मास मतलब द्रव्यमान ही होता है, और भार क्या है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है वो उसका भार होता है, ठीक है। इसीलिए मास कहीं भी ले जाइए, स्पेस में कहीं चंद्रमा पे जाइए, जहां ग्रेविटी जीरो वहां ले जाइए, उसका मास कभी नहीं बदलता भाई, इसका पेन का आकार बदलेगा कभी नहीं बदलेगा, लेकिन इसका भार चेंज हो जाएगा। तो हम लोग जब दुकान से आलू अपने घर लेकर जाते हैं तो हम उसका मास लेकर जाते हैं, न कि भार, क्योंकि भार तो चेंज हो जाता है। अब 1 किलो आलू लेकर जा रहे हैं चंद्रमा पे जाएंगे तो क्या होगा, 1/6 हो जाएगा धरती का भाई, 100 किलो आलू है तो 6 किलो आलू हो जाएगा चंद्रमा पे, लेकिन ये जो आलू का आकार है, जो जितने जितना एरिया जितना उसका मास है आलू का, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, आलू जाके वहां पे टमाटर थोड़ी हो जाएगा या बैर थोड़ी हो जाएगा, ठीक है।
समझा कि मास और द्रव्यमान में क्या अंतर है, सॉरी मास और भार में क्या अंतर है, ये होता है। अच्छा पृथ्वी का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 6.4 × 10^6 मीटर, ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो v इक्वल टू 9.8 × 6.4 × 10^6 कैलकुलेट कर दीजिए, तो लगभग 7.9 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7.9 मीटर आएगा पर सेकेंड, ठीक है, कितना आएगा, या इसीलिए मान लीजिए v इक्वल टू 8, लगभग 8 हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस वेग से यदि कुछ 100 किलोमीटर ऊपर सेटेलाइट है धरती से, तो इस वेग से ये मूव करेगा पृथ्वी के ऑर्बिट में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे, हाइट का इफेक्ट पड़ेगा भाई, हाइट यहाँ मैंने इंग्लिश में मान लिया था, ये हो गया, यदि हाइट को बहुत मैक्सिमम यदि मान लेते हैं आप, तो इसकी स्पीड में भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो सेट जो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट होते हैं, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कितना हमारा कुछ कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर, तो 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित करना है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे 36,000 रख लेते हैं, उसके बाद हम जो है स्थापित उसे स्थापित करते हैं वहां की स्पेस में, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि 36,000 किलोमीटर है तो सेटेलाइट किस स्पीड से मूव करेगा। अच्छा मैंने शुरू में एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर बता देता हूँ, आप लोग फालतू का दिमाग खर्च करेंगे, इतना कीमती चीज है आप लोगों के पास ही, हम लोग हमारे पास जो रॉकेट होता है, रॉकेट के माध्यम से सेटेलाइट हम पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, स्पीड चूंकि इतनी तेज होती है वो उसकी, कि मतलब ये इस बात की कैलकुलेशन पहले ही कर ली है हम लोग, कर लेते हैं कि जब हम स्पेस में उसे भेजेंगे उसी स्पीड से, उस वेलोसिटी से हम उसे छोड़ेंगे पृथ्वी के ऑर्बिट में, कि पृथ्वी का कोणीय वेग और उसका कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी सेम हो। लगभग 3 सेटेलाइट रखे जाते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जो पूरी धरती का पूरी धरती को कैप्चर करते हैं, ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना है, अगली क्लास में मिलते हैं सेटेलाइट के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे, थैंक यू।